हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टीलर्स और गुजरात जायंट्स के बीच में होने वाले व्यू प्रो कबड्डी 2023 के 31st मैच के बारे में। तो यह है मैच नंबर 31 व्यू प्रो कबड्डी 2023 का, जो कि रात को 8 बजे से खेला जाएगा। दिन का सिर्फ ये एक ही मुकाबला है जो होना है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरा मुकाबला आज नहीं होगा, सिर्फ सिंगल मैच होने वाला है और ये होगा श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे में। एक तरफ है हरियाणा स्टीलर्स और एक तरफ है गुजरात जायंट्स। अगर हम बात करें इस सीजन दोनों टीमों के परफॉर्मेंस की, तो अब तक 4 मैच हरियाणा की टीम खेल चुकी है जिसमें से 3 उन्होंने विन करे हैं, और वहीं गुजरात की टीम ने अपने 5 मैचेस खेले हैं जिसमें से 3 उन्होंने विन करे हुए हैं। दोनों टीमों का परफॉर्मेंस ठीक है, और इस मैच में कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है नहीं है वो हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लो, वीडियो को लाइक तो कर ही दो। कमेंट सेक्शन में लिंक है टेलीग्राम का, या फिर टेलीग्राम अगर आपके मोबाइल में है तो चैनल सेक्शन में जाके कबड्डी एक्सप्रेस सर्च कर लेना। ये हमारे चैनल का नेम है @कबड्डी एक्सप्रेस, जो आपको टेलीग्राम पे सर्च करने पे मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको बिल्कुल डायरेक्टली ही ज्वाइन करना है बिना कुछ लिखे हुए, तो नीचे लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में। उससे आसान कोई तरीका नहीं है, कमेंट पे क्लिक करना है आपको लिंक पे बस, और ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा माई फेव 11 पे अगर आप कबड्डी खेलते हैं तो बहुत ही बेहतरीन ऐप है, और इस टाइम पे आपका GST यही पे कर रहे हैं। आपको एंट्री फी भी देखे तो बहुत ज्यादा नहीं ले रहे, और 100 रुपए आपको कैशबैक भी दे रहे हैं अगर आप पेटीएम वॉलेट से कुछ मनी वगैरह ऐड करते। तो यहाँ पे वॉलेट ऑफर्स वगैरह भी काफी चलते रहते हैं। सो प्लीज आप माई फेव 11 पे एक बार जाके खेल के देखिए, बहुत पुरानी एप्लीकेशन है और लगातार लोगों का ट्रस्ट बिल्ड यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे लोग खेलना पसंद करते हैं। आप जाके एक बार ट्राई जरूर करना। रेफर कोड FX लगा के आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बोनस और गिव अवेज मिलेंगे। नीचे इसका भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम के लिंक के जस्ट नीचे आपको मिलेगा माई फेव 11 ऐप का लिंक, जिसको आपको डाउनलोड करके रेफर कोड FX लगा के साइन अप करना है और एंजॉय करना है यहां पे कबड्डी मैचेस को। आगे हम बात करते हैं इस मैच की, तो सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात जायंट्स का क्या डिफेंस है और उसके सामने हरियाणा स्टीलर्स के रेडर्स कैसा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा स्टीलर्स के रेडर्स की, तो कौन-कौन से रेडर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए इस मैच में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीलर्स के लेफ्ट रेडिंग डिपार्टमेंट की, जिसमें आते हैं सिद्धार्थ देसाई और शिवम पाटरे। 35% से 40% रेड आप लेफ्ट से देखेंगे, बहुत हद तक चांस है कि 35% से 40% रेड ही लेफ्ट से होने वाले हैं। हरियाणा की जो मेन रेडिंग डिपार्टमेंट है वो अब राइट बन गया है। राइट में यहाँ पे विनय तिवतिया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लगातार टीम के लिए बहुत ज्यादा रेड्स कर रहे हैं। आशीष भी रेड कर रहे हैं राइट साइड से, तो 65% ऑफ द रेड्स जो है वो हरियाणा की राइट साइड से होने वाली है। यानी ये वाला जोन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा क्राउडेड होगा इस वाले जोन के कंपैरिजन में, बट ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि 65% के आसपास रेड आप यहां से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि 90% 95% है, तो ये एरिया क्राउडेड रहेगा, बट ये भी रहेगा, ये थोड़ा ज्यादा क्राउडेड रहेगा। तो जैसे मान लीजिए यहां पे आशीष हो गए रेडिंग करने जाएंगे, थोड़ी सी ये शायद कम ही रेडिंग करेंगे। विनय आजकल बहुत रेडिंग कर रहे हैं, तो विनय का आप मान लीजिए कि विनय ज्यादा रेडिंग करने जाएंगे इस जोन में, राइट जोन में। सबसे पहले फजल अतरा चली और सोनू जगलन की चेन इनको यहां पे मिलने वाली है। सोनू जगलन इस टाइम पे अपनी टीम के लिए बहुत बढ़िया रेड्स कर रहे हैं, और डिफेंस में यहां पे फजल जो है वो अच्छा कर सकते हैं क्योंकि यहां से रेडिंग ज्यादा है, तो एक ये चेन बन जाएगी। फिर यहां पे आपको राकेश संगरोया का फ्री रेडिंग, मतलब यहां पे फ्री रेडर मिल जाएगा जो खाली बिना चेन के यहां पे घूमेगा, ये एक चेन हो गई, ठीक है, ये बिना चेन का खेलेगा। फिर यहाँ पे एक चेन आपको दिखेगी कवर्स की, जिसमें लेफ्ट कवर में आपको अरकम शेख दिख जाएंगे और उनके साथ चेन में आपको दिख जाएंगे सौरभ गुलिया। अब अरकम शेख थोड़ा सा सामने ही पड़ रहे हैं रेडर्स के, और सौरभ गुलिया थोड़ा सा साइड से जाके इनको टैकल कर सकते हैं, तो सौरभ गुलिया का एक थोड़ा बेटर चांस बनता है यहाँ पे। और लास्ट चेन यहाँ पे होती है रोहित गुलिया और सोमवीर की, ठीक है। सोमवीर को थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा इस मैच में क्योंकि उनके साइड रेडिंग थोड़ी सी कम है, बट इतनी भी कम नहीं है, तो इन रेडर्स को पकड़ने के लिए थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा। बट ये वाले जो रेडर्स हैं वो सोमवीर के सामने ही रहेंगे, सोमवीर की भी इंपॉर्टेंस ठीक ठाक रहेगी, ये इनकी आखिरी चेन इस साइड की रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम देखें राइट रेडर्स को डिफेंड करना है तो सौरभ गुलिया और फजल अतर चली को मिलकर चलना पड़ेगा, जिसमें से फजल आपके लिए हमेशा डिफेंस के बेस्ट प्लेयर होते हैं, तो ये तो आपकी टीम में मस्ट है होंगे। सौरभ गुलिया को लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है, क्योंकि परफॉर्मेंस इतना भी अच्छा सौरभ गुलिया ने लॉन्ग टर्म में नहीं दे रखा है। अगर हम बात करें इस साइड के रेडिंग डिपार्टमेंट की, तो वहां पे सिद्धार्थ देसाई और शिवम पाटरे हैं, तो यहाँ पे सोमवीर की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, और इन प्लेयर्स को कवर करने के लिए अरकम शेख की जरूरत पड़ेगी, जिनका फॉर्म अभी कुछ खास नहीं चल रहा है। तो अगर हम बात करें गुजरात के डिफेंस डिपार्टमेंट की, तो डिफेंस थोड़ा सा एवरेज है क्योंकि फजल ने भी इस साल बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज नहीं दिए, अब तक ड्यू है वो परफॉर्मेंसेज, जबकि हैं बहुत अच्छे प्लेयर। सोमवीर के परफॉर्मेंसेस फिर भी थोड़े से बेटर आए हैं टीम के लिए। फजल बड़े प्लेयर हैं, मैं अगर एक प्लेयर मुझे चुनना हो डिफेंस में तो मैं हमेशा फजल को अपनी टीम में पहले पिक करूंगा, बाकी प्लेयर्स की तरफ बाद में देखूंगा। और इनके
रीडर्स को किसको लेना है वह हम आगे देखेंगे। हरियाणा के रीडर्स में ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ देसाई थोड़े से स्लो रीडर है तो पावरफुल रीडर बट थोड़े स्लो रीडर है, और स्लो रीडर होने की वजह से कई बार इनको लोग पकड़ लेते हैं, तो ये समस्या है सिद्धार्थ देसाई के साथ। और वहीं हम बात करें आशीष और विनय की, तो ये थोड़े से तेज रीडर है, थोड़ा तेज मूवमेंट करते हैं तो इनको पकड़ना उतना आसान नहीं होता। सिद्धार्थ देसाई है तगड़े रीडर बट थोड़ा स्लो मूवमेंट होने की वजह से कभी कभी बार बार पकड़े जाते हैं, फिर टीम सब्स्टिट्यूट भी इनको कर देती है। तो ये हो गई बात यहाँ पे गुजरात के डिफेंस के सामने हरियाणा का रीडिंग डिपार्टमेंट कैसा करेगा। अब बात करेंगे उल्टा, गुजरात के रीडर्स के सामने हरियाणा का डिफेंस कैसा करेगा। ठीक है, तो हरियाणा के डिफेंस में कौन कौन से प्लेयर हैं, कहाँ कहाँ पे वो रहेंगे वो आपको दिख ही रहा है। सबसे पहले हम रीडर्स की बात करेंगे गुजरात के। गुजरात के रीडर्स में रोहित गुलिया और विकास जगलन, ये लेफ्ट साइड से रीडिंग करते हुए आपको देखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस साइड इस सेक्शन में 25-30% रेट देखेंगे, 25-30% रेट ही आपको यहाँ से देखेगी, ज्यादा रेडिंग नहीं देखने को मिलेगी। गुजरात की जो मेन रेडिंग होती है वो थोड़ा सा राइट साइड से होती है, राइट साइड में जहाँ पे नबी बख्श भी हैं जो थोड़ी बहुत ही रेडिंग करते हैं, राकेश संगरोया अच्छी खासी रेडिंग करते हैं, और सोनू जगलन इस टाइम पे टीम के लिए मैक्सिमम रेडिंग करके जा रहे हैं। मतलब मेन रेडर में आप मान लीजिए सोनू जगलन और राकेश संगरोया, ये दो मेन रेडर हैं टीम के, और 75% ऑफ द रेट गुजरात जायंट्स की राइट साइड से ही होती है। अब राइट साइड से जब रेडिंग होगी तो यहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे ये जोन यहाँ पे बनता है तो इस जोन में जैसे मैं प्लेयर्स को लिखूं तो यहाँ पे मोहम्मद नबी बख्श जो बहुत ही कम रेडिंग करेंगे तो इनको तो आप ज्यादा कंसिडर ना करें, राकेश यहाँ से अच्छी खासी रेडिंग करने वाले हैं राइट साइड से, और सोनू जगलन जिन्होंने पिछले कुछ मैचेस में अपनी अलग ही जगह बना ली है, मतलब अलग ही खेलते यार सोनू जगलन राकेश और नबी। ठीक है, ये राइट में रेडिंग करेंगे, ये राइट से रेडिंग करेंगे, राइट रेडर्स हैं ये लोग। और इस साइड पे आपको चेन मिलेगी मोहित खलर की और आशीष की, पहली चेन होगी जिसमें से मोहित खलर के पास अच्छा चांस रहेगा इन प्लेयर्स पे अटैक करने का, तो आपको अच्छे खासे अटेम्प्ट मारते हुए मोहित खलर इस मैच में देख सकते हैं, अच्छे प्लेयर है, एक आधी मैच इनका थोड़ा सा खराब गया हुआ है तो इन पर भरोसा आप रखिए। आशीष भी मैं आपको बता दूं डिफेंस में काफी एक्टिव रहती है, चेन बहुत एक्टिव रहने वाली है और ये राइट रेडर्स को परेशान करेगी करेगी, कभी आशीष आएंगे कभी मोहित खलर आएंगे। और जयदीप दहिया का एंगल थोड़ा सा साइड बनने वाला है, मतलब रोहित गुलिया विकास जगलन की साइड का, बट इस टाइम पे जयदीप दहिया जो है वो चेन छोड़ के भी अच्छा खासा टैकल कर रहे हैं तो उन पर आप थोड़ा फोकस रखिएगा। यहाँ पे सिद्धार्थ देसाई आपको फ्री रेडर देखने को मिलेंगे, ये एक चेन हो गई आशीष और मोहित खलेर की, एक यहाँ पे फ्री रेडर हो गया सिद्धार्थ देसाई, फिर आपको यहाँ पे जयदीप दहिया और मोहित नांदाल की एक जोड़ी दिखेगी चेन में। ठीक है, जिसमें जयदीप दहिया से ज्यादा चांस मोहित नांदाल के पास होंगे, बट अगर आप देखें जयदीप दहिया की स्किल लेवल तो बहुत अच्छी है, वो अपोजिट साइड से भी अच्छा खासा टैकल कर सकते हैं तो उन पर आप थोड़ा सा ज्यादा भरोसा रखिए। पिछले साल भी परफॉर्मेंस जयदीप दहिया के ज्यादा बेटर हो रहे थे और ये साल भी इन्होंने अलग ही पकड़ बना ली है। फिर यहाँ पे लास्ट में आपको विनय तेवतिया और राहुल सेतपाल की चेन दिखेगी, राहुल सेतपाल इस टाइम पे काफी अच्छे फॉर्म में है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एडवांस जाके इन रेडर्स को भी परेशान करेंगे, और यहाँ से जो रेडर्स आएंगे उनका तो एंकल होल्ड ये करने वाले हैं, क्योंकि राहुल सेतपाल पिछले मैच में काफी बढ़िया एंकल होल्ड कर रहे थे और लग रहा था कि कोई बड़ा प्लेयर खेल रहा है। तो ये है स्थिति, यहाँ पे ये रेडर्स होंगे तो यहाँ पे चेन्स बनेंगी, कैसे बनेंगी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और जब इस साइड चेन बनेगी तो यहाँ पे फ्री रेडर यहाँ आ जाएगा, चेन इस साइड हो जाएगी, मतलब ये चेन उठ के ऐसी आ जाएगी और सिद्धार्थ देसाई उठ के यहाँ आ जाएगा जब लेफ्ट साइड पे रेडिंग होगी, बस और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, यहाँ पे मोहित नांदाल की इंपॉर्टेंस अच्छी खासी रहेगी क्योंकि राइट से रेडिंग ज्यादा है, और मोहित खलर की भी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी, बट जयदीप दहिया को नहीं छोड़ना है क्योंकि ये अपोजिट कंडीशंस में भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, मौके बना लेते हैं ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पे चलना है किसके एंगल्स बेटर बन रहे, बट समटाइम्स अच्छे प्लेयर अच्छा कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये हमने दोनों चीजें आपको बता दी। अब जल्दी से हम टीम बना लेते हैं, टीम में क्या होने वाला है हमारी। तो टीम में सबसे पहले हम पिक करेंगे किसको, पहले हम रेडर्स पे ध्यान देते हैं। रेडर्स में हमने जो बेस्ट रेडर्स है दोनों टीमों के, जैसे सोनू जगलन अपनी टीम से बेस्ट कर रहे हैं गुजरात की टीम से, और विनय इस टाइम पे जो है क्योंकि सिद्धार्थ देसाई चल नहीं पा रहे हैं, फुर्ती उनमें ज्यादा है नहीं, तो विनय वो काम कर रहे हैं मेन रेडर का, तो विनय आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर यहाँ पे राकेश संगरोया को मेन टीम में ले लिया, समटाइम्स अगर जगलन नहीं चलते तो फिर राकेश संगरोया काफी अच्छा करके जाते तो उसको बैकअप देने के लिए मैंने उनको टीम में पिक कर लिया। आपके पास ऑप्शन है सिद्धार्थ देसाई का, आप चाहे तो उनके साथ जा सकते हैं, थोड़ा सा फुट मूवमेंट स्लो होता है सिद्धार्थ देसाई का, समटाइम्स नहीं चल पाते। फिर मैंने यहाँ पे आशीष को टीम में पिक करा, पिछले मैच में काफी डिफेंस में भी पार्ट लिया, रेडिंग भी करी और ये पिछले दो मैच से ऐसे ही कर रहे हैं और उनका पिछला सीजन भी ऐसे ही गया था, तो आशीष आपके लिए मेरे लिए हमेशा ही बेस्ट ऑप्शन होंगे पिक करने के लिए, और इवन वाइस कप्तानी उनको दी जा सकती है। कैप्टन अगर जगलन कर रहे तो वाइस कैप्टन आशीष को किया जा सकता है। फिर यहाँ पे मैंने फजलत रचली को टीम में जगह दी है, जयदीप दहिया को लिया है, मोहित खलर को
को लिया है। देखिए संदीप दहिया से ज्यादा मौके जो है मोहित नंदाल को मिलेंगे, तो अगर चाहे आप इनकी जगह पे लेना तो मोहित नंदाल को ले सकते हैं, बट अगर आप दोनों प्लेयर्स को कंपेयर करें, उनके मैचेस को देखें, तो जयदीप दहिया का इंटेंट खेलने का बहुत अच्छा लगता है और स्किल लेवल भी समझ में आता है कि ये गलतियां कम करते हैं। मोहित नंदाल थोड़ी सी गलतियां ज्यादा कर जाते हैं, थोड़ा ओवर अटैकिंग नेचर से खेलने लगते हैं, थोड़ा सा एग्रेशन आ जाता है उनमें, बट जयदीप दहिया बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। तो जयदीप दहिया मुझे ज्यादा बेटर लगे प्लेयर, तो उनको मैंने टीम में पिक करा, बट फिर भी मोहित नंदाल का एक स्कोप है जिनको आप टीम में चाहे तो एडअप कर सकते हैं, स्मॉल लीग में नहीं तो ग्रैंड लीग में कर सकते हैं। ये वीडियोस देख के देखिए, टीम को अभी मत कीजिए, बस चीजों को समझिए और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर करिए। 5 टीम बनाइए 10 टीम बनाइए और हर टीम में कुछ ना कुछ चेंजेस अपने हिसाब से करिए। वीडियो आप देख ही रहे, कप्तानी वाइज कप्तानी सब समझा ही देता हूं आपको, तो ये चीजें देखेंगे तो बेटर टीम बना पाएंगे। अभी फिलहाल के लिए मेरी ये टीम है, इसमें मैं कोई चेंज या बदलाव करूंगा तो टेलीग्राम पे बता दूंगा, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, जाइए क्लिक करके ज्वाइन करिए। अगर इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिलती है, कुछ मजा आता है, कुछ चीजें नहीं समझ में आती है, तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।